करने वाले हैं द स्पीड ईटिंग मैगी चैलेंज। तो चलिए चैलेंज स्टार्ट करते हैं। ऐसी अमेजिंग वीडियोस और चैलेंजेस देखने के लिए हमारे चैनल यूनिक गर्ल व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो चलिए चैलेंज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं मैगी। किचन में आ गए हम लोग और अब हम लोग मैगी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। बी केयरफुल इन किचन, थोड़ा नाजिक खराब हुई है, अभी चला लिया है। और ये रही मैगी, अभी बॉयल होगा फिर डालेंगे ना मैगी। नहीं ऐसे भी डल जाएगी, ओके ऐसे जल्दी बनेगी, हमारा टाइम नहीं होगा। आप लोग अपने मम्मा पापा के साथ मैगी बनाना, अकेले मत बनाना। चलो बस मैं तो हम तू ही डालेंगे इसमें, ये बहुत ज्यादा ज्यादा होती है। इसमें थोड़ी सी रह गई अभी, तो शायद उसमें नहीं। तो अब इसे थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे। 2 मिनट में मैगी रेडी। तो चलें 2 मिनट के बाद मिलते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स अब तक हमारी मैगी बन रही है, तब तक हम लोग आपकी ये गलतफहमी भी दूर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स 4 इयर्स पहले हमारी मामा का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए तब से हम लोग काम कर रहे हैं। तो पहले तो पापा जल्दी से ऑफिस आते थे और वो खाना बनाने लग जाते थे, लेकिन अब हम लोग बड़े, अब हम लोग थोड़े से ही बड़े हुए हैं। और ये तो मतलब अभी सिर्फ मैगी बना रही है, लेकिन ये अभी अंडे भी बना लेती है और ये हेल्प भी बहुत करती है। मुझे मज़ा आता है। हाँ तो फातिमा को मज़ा आता है, लेकिन आप लोग, हमारी तो मजबूरी है, लेकिन आप लोग अपने मामा पापा के सामने ही ये सब काम करना, या फिर आप अपनी मामा को बोल देना कि हमारे लिए मैगी बना दो मम्मा, आप लोग खुद किचन में मत जाना। सही है, बी केयरफुल इन किचन। तो फ्रेंड्स अभी भी मम्मा हमारी चल नहीं सकती हैं, वॉकर के सहारे से चलती हैं वो, तो अभी भी हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे तो मम्मा थोड़ा चल लेती हैं। हाँ और हमारी हेल्प भी करती हैं थोड़ा थोड़ा, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब आप सुने हमारे पापा का सॉन्ग, ब्यूटीफुल सी वॉइस में सॉन्ग सुन रहे हैं हम पापा का। चले चले चलते हैं सॉन्ग सुनने, जब तक हम मैगी निकाल के चलते हैं। ये अस्सलाम वालेकुम, मैं एलियस करी, एक सॉन्ग है बड़ा मशहूर है, कुछ दिनों पहले एक ड्रामा आया था मेरे पास तुम हो, तो उसका सॉन्ग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नश्क मिटाते जाओ, चलो रसमन ही सही मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। कभी कभी ये मुझे रुलाए, कभी कभी ये सताए, कभी कभी ये मुझे रुलाए, कभी कभी ये सताए,
फकत मेरे दिल से मुझड़ जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। जीना है तेरे बिना, जीना है मुझको तेरे बिना। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बच्चों का चैलेंज जो भी उन्होंने किया है वो देखते हैं। तो ये हमारी मैगी तैयार हो गई है और ये हमारा मैगी कबाब। तो चलिए चैलेंज स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। मैं इन लोगों ने तो निकाल दी थी। मैं अरे मैं सबसे स्लो हूँ, फाटो टिकोनी तो डालो। और मुझे लगता है कि इस वक्त जो है वो फातिमा जीत रही है। मैं जीत रही हूँ। अब हानिया की बारी है कि हानिया जीत रही है और फातिमा को प्यास लग रही है। मिर्चा। रिता को भी प्यास लग रही है। तो मिर्चे हैं इसमें। हाँ, स्पाइसी मैगी चैलेंज हो गए। बहुत स्पाइसी है। देखिए देखिए इस वक्त सब बराबर ही चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। हानिया भी जीतेंगी, हानिया खा नहीं सकती। हानिया जीत रही है। हानिया जीत रही है। वैसे इस वक्त सबसे स्लो जो है हानिया खाती है, लेकिन वो आज जल्दी जल्दी खा रही है क्योंकि चैलेंज है। और इस चैलेंज को जीतने में जो है वो तीनों कोशिश कर रहे हैं। जीत पाऊंगी फ्रेंड्स, मुझे जल्दी खाने। और ये हानिया मुझे लग रहा है कि नहीं महात्मा तो लग रहा है कि पूरे डाल ली। नहीं अभी हानिया उसमें और है। अरे भाई अब मुझे। और ये हानिया जीत गई है, पहले नंबर पे हानिया आई है। अब देखते हैं कौन ओ दूसरे नंबर पे जो है वो रिदा और फातिमा। और ये फातिमा जो है वो हार चुकी है। तो अब फातिमा को खिलाएंगे हम दोनों बियर मैगी। नहीं नहीं मैं तो नहीं खाऊंगी। लास्ट टाइम में भी फातिमा ही हारी थी। बियर खाया था उसमें बियर चिप्स, यू अचार के साथ चीज वाले चिप्स। नो इसमें भी अचार ही डाल देते हैं। नहीं नहीं अचार ये तो पाप आपको चाहिए। तो हम आप इसी के साथ आप हमें इजाजत दीजिए और हम मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए